दोस्तों अगर आप लोग भी एशिया कप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एशिया कप का आगाज 27 अगस्त से होने जा रहा है, जहां पर दोस्तों एशिया कप का भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों एशिया कप से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय टीम के लिए क्या बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं विराट कोहली एंड केएल राहुल की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों संजू सैमसन ईशान किशन के एंट्री को लेकर बड़ी अपडेट आई, यानी इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय टीम लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हुए आ रही है, लेकिन गाइस आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने भी सीरीज हो रहे हैं ज्यादातर मुकाबले में यहाँ पर विराट कोहली को जगह नहीं मिल रही है। इसका मेन रीजन है कि उनका फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बीसीसीआई उनको थोड़ा नेगोशिएट कर रही है। और ऐसे में गाइस आपको बताना चाहूंगा कि विराट कोहली को एशिया कप में जगह मिला है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली एंड केएल राहुल की वापसी एशिया कप में हुई है, बीसीसीआई के मेजर टॉकिंग में यह पता चला है। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि ईशान किशन संजू सैमसन को एशिया कप में जगह नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल अपडेट निकलकर सामने आई है। अगर दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर है, वो यह है दोस्तों, क्योंकि हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह जो कि इंजर्ड हैं, और गाइस आपको पता है कि ये दोनों कितने खतरनाक बॉलर हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जसप्रीत बुमराह इंडिया के मेजर बॉलर है और इनकी उपस्थिति भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा लाजमी है। और ऐसे में गाइस आपको यह भी बताना चाहूंगा, अगर जसप्रीत बुमराह बाहर रहते हैं तो एशिया कप में भारतीय टीम के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि लगातार जसप्रीत बुमराह का जो प्रदर्शन है काफी ज्यादा अच्छा रहा है। वैसे गाइस आपके हिसाब से तब तक जसप्रीत बुमराह एंड हर्षल पटेल रिकवर हो जाएंगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।